ये आता है आप एक सवाल या दो पूछ सकते हैं, समांतर वाद्य मध्य का बोल लगे तीन, तीन में से कोई दो पूछेंगे वहां पर एग्जाम में, और दोनों ही आपके छह नंबर के होंगे, या तो एक आएगा छह नंबर का या दोनों आएंगे छह नंबर के। तो इसमें तीन चीजें हैं आपके, समांतर वाद्य है, एक मध्य का है और एक तीन चीजें हैं आपके, तीनों में से कोई दो आपको वहां पर ज्ञात करनी है, तीनों में से कोई एक वहां पर या दो भी पूछ सकते हैं कोई भी। समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि है तीन, पहली विधि है आपके डायरेक्ट विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि और तीसरी है पक विधि विधि, तीन विधि है, तीनों में से आपको कोई पूछे एग्जाम में तो वो करनी है, विधि पूछे विधि करनी है, विधि नहीं पूछे तो आपको तीनों में से कोई भी एक मेथड से हल करना है। ये तो सबसे पहले विधि है नंबर वन विधि, पहली विधि है आपके प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि करनी है चाहे कोई भी विधि करनी है, पहला काम मैं पहले ही बता रहा हूँ समांतर माध्य बता रहा हूँ पहले, तो प्रत्यक्ष विधि हो चाहे प्रवृत्ति विधि हो चाहे कल्पित माध्य विधि हो, तीनों में कोई विधि हो तीनों में एक्स को ज्ञात करने की, एक्स सेंटर वैल्यू कह सकते हो या मिड वैल्यू कह सकते हो, ये ज्ञात करना मतलब इन दोनों के बीच का मूल्य ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स एल वन प्लस एल टू बटा दो, मतलब ये निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और दो का भाग देना है, तो दोनों को जोड़कर दो का भाग लेना, तो जीरो दस 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 का आधा पांच, दोनों को जोड़कर आधा करना है, फिर बाद अंतर कितना है दस का अंतर है, क्या करेंगे दस से जोड़ते रहेंगे पंद्रह दस पच्चीस दस पैंतीस दस पैंतालीस, याद रहा तो दोनों को जोड़ लो नब्बे नब्बे का आधा पैंतालीस, सत्तर का आधा पैंतीस, पचास का आधा पच्चीस, ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें मध्य मूल्य ज्ञात करना है। अगर विधि पहली है प्रत्यक्ष विधि इसमें सिंपल है आपके, आपको लगाना है यहाँ पर एफ एक्स दोनों को गुणा करना है, सूत्र के हिसाब चाहो तो यहाँ वैसे आई लगा दो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए सूत्र वैसे लगता है, लगाओ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे एफ आई से लिख सकते हो चाहो एफ एक्स देखो तो राइट है, इसको इससे गुणा करना है और यहाँ लिखना है कितना बताएगा यहाँ होता है 125 और 250 कितना होते हैं 375 325 250 और 75 ये हो जाएगा आपके 325 और यहाँ गुणा करेंगे 7 × 35 फसल का 3 21 और 3 हो गए 21 और 3 24 यहाँ गुणा करेंगे तो 9 × 18 180। अगर सिंपल विधि है तो सूत्र क्या लगेगा आप याद करेगा इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग, ये तो देर का है हमें लिखना है यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यहाँ ले सकते हो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ तो भी राइट है और ये आई लगाओ तो भी राइट है, तो आई कैसे फॉर्मूला लगानी है अगर आपको याद है लगा दो नहीं तो क्या करनी है इसकी जोड़ में इसकी जोड़ का भाग, एफ एक्स लिखा हुआ है लिखा हुआ है एफ आई भी लिखा हुआ है, बस सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना, इसकी जोड़ कितनी होती है 6 × 10 = 13 × 29 × 29 = 40 यहाँ आपका आ जाएगा 40 और इस सब की जोड़ करेंगे 5 × 10 3 × 5 = 8 × 2 = 10 × 10 = 14 × 8 कितना हो गए 14 × 8 = 22 असल का 2 2 × 3 = 5 × 5 = 8 × 8 = 10 + 10 = 11 ये हो गए 1120 अब देखिए 5 × 3 = 8 × 10 = 10 × 12 = 22 2 × 2 = 5 × 5 = 3 = 8 होते हैं अब देखिए 5 × 3 = 8 × 2 = 10 × 10 = 12 = 22 वाले कितने हो गए 23 असल का फिर यहाँ पे आपके 2 बचा है तो 2 और 1 = 3 3 × 3 = 6 × 6 = 3 9 9 9 3 × 5 = 6 7 8 9 ये हो जाएगा 9 अब भाग दो कितना आया 23 × 9 = 30 23 × 9 = 30 फिर भी बच गया आपके 8 अब भाग में आ जाएगा आपके अब भाग जाएगा आपके 2 बार पहले गया 23 × 9 0 0 काट दो
अभी तो बच गया कितना, आप एक लग गया पॉइंट, अब जाएगा 25 ये उधर जो जोड़ है वो लिख दे। अगली विधि है भाई आपके पग, क्या नाम है, कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको टी आई याद करना है, देखो ध्यान देना, विधि सेम है तो उत्तर भी याद आता है, सेम पूरा विधि कोई भी उत्तर तो तीनों में एक ही आता है। जैसे अगर आपको प्रत्येक विधि कहा जाए तो आपको एक्स आई इन दोनों गुणा करना है, उत्तर निकाल देना है। अगर आपसे कहा जाए कि कल्पित माध्य विधि तो आपको उसमें डी आई याद करना है, डी आई का सूत्र है याद करने का एक्स आई माइनस ए, ए मतलब कुछ भी कल्पना करना, कल्पित माध्य तो कुछ भी मतलब फॉर्म से कुछ भी, या एग्जाम में सवाल में आ जाए लिखा हुआ कि 25 को कल्पित माध्य मानते हुए सवाल वाल करो तो 25 को आधार मानना, 20 करो तो 20 को आधार मानना, कुछ भी अंदर नहीं है उसको भी आधार ले सकता तो उत्तर वही आएगा। अब चाहे 10 ले लो 20 ले लो मर्जी आए कोई नंबर, और यहाँ से लो तो यहाँ से भी ले सकते हो। सवाल में आ गया 25 को कल्पित माध्य मानते हुए हमें सवाल का माध्य याद करना है, तो ये तो सवाल है, इससे वो एक्स वैल्यू याद करना पड़ेगा, वही मध्य मूल्य दोनों को जोड़ो आधा करो, और फिर इस 25 को आप यहाँ के लिए जीरो, आप ए मान रहे हो, किसको 25 को ए मान रहे हो। अब यहाँ जीरो है तो ऊपरी जगह आएगा, यहाँ अंतर कितना है 10 का अंतर है तो 10 का पार्ट आएगा, ऊपर आएगा माइनस में और यहाँ आएगा आपके प्लस में आ जाएगा। अब आपको करना है एफ आई डी आई, अब क्या करना है आपको एफ आई डी आई, ध्यान है इधर, इसको इससे गुणा करते हैं, एफ एक्स आई को तो आता है प्रत्यक्ष विधि, लेकिन एफ आई को डी आई से गुणा करते हैं तो आती है आपके कल्पित माध्य विधि, दोनों गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, उत्तर दोनों एक ही आएगा। ये कितना होता है माइनस का 120, ये होता है माइनस का 100, फिर ये होता है जीरो, 10 इंटू 7 70, 20 इंटू 4 80, प्लस का तो हो गया आपके 150 और माइनस का हो गया है 220, घटाओ कितना होता है माइनस में 70। अब हमें याद करना है समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि में हमने एफ आई को एक्स से गुणा किया था, अब हमने यहाँ किससे गुणा किया, एफ आई को डी आई से गुणा किया, तो यहाँ क्या आएगा एफ आई डी आई आएगा। अब बाद में वही आएगा, चेंज नहीं, बाद में सिग्मा एफ आई आएगा, यहाँ मैंने ए घटाया नहीं था, लेकिन यहाँ मैंने ए घटाया, वापस क्या कर दो ए जोड़ दो, बताओ ए कितना लिया मैंने 25 को लिया, एफ आई डी आई माइनस का 70 और ये कितना टोटली 40, 0-0 कट गया, 25 प्लस माइनस माइनस भाग दो 4 का ये आएगा 1.75, घटा दो उत्तर क्या आएगा 23.25। तो ऐसे याद करो तो वही आएगा, और डी आई याद करने के बाद जैसे डी आई डी आई हर बार ये आएगा, डी आई भी क्या आएगा हर बार पार्ट आएगा अंतर का, ये अंतर कितना है 10 का, 10 का पार्ट ऊपर में माइनस में और इधर प्लस में आएगा, अगर यहाँ जीरो लिया तो सब प्लस के, यहाँ जीरो तो सब माइनस के, ऐसे चलेंगे उधर और प्लस में इधर चलेंगे, और उत्तर दोनों में एक ही आएगा, विधि कोई भी लो। तीसरी विधि है भाई आपके पग विचलन विधि, इसमें करना क्या है, आप सबसे पहले आपको ज्ञात करना है यूआई, यूआई कैसे ज्ञात करते हैं, देखो इन दोनों गुणा किया प्रत्यक्ष विधि जो बता रखा है, एफ आई डी आई को गुणा करके निकाला तो कल्पित माध्य विधि, और अगर हमने एक्स आई माइनस ए करके उसमें एच का भाग भी दिया, एच मतलब अंतर का भाग देना, अंतर कितना समझे प्लस में भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 और 2, और यहां चाहे कोई भी अंतर हो यू आई हमेशा क्या होगा माइनस में 2 माइनस में 1 0 और 1 2 फिक्स है, यही आएगा हर बार, कोई चेंज नहीं आएगा, यही आएगा। अगर आपको ये नहीं आता है रहने दो, सीधा एक्स आई लिखा, अब क्या लिखते यू आई लिख दो, सीधा लिखा था ऐसे कि मैंने ऐसे किया, अब आपने किया या नहीं किया, आपको लिखना है बीच में 0, ऊपर लिखना है माइनस में 1 2 और यहाँ लिखना है प्लस में 1, फिक्स है यही संख्या आएगी, माइनस चाहे अंतर कितना है 10 का अंतर है चाहे 20 का अंतर है चाहे 5 का अंतर है चाहे कुछ कोई भी अंतर हो, ऊपर आएगा माइनस में 1 2 यहाँ आएगा आपके प्लस में 1, फिक्स संख्या है यू आई। अब हमें करना है एफ आई यू आई, अगर आपने एफ आई एक्स आई कर लिया तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी, एफ आई डी आई कर लिया तो कल्पित माध्य विधि, एफ आई यू आई किया तो पग विचलन विधि, गुणा करो इसको इससे गुणा करना है इन दोनों को यू आई से, तो 6 2 12
दस एकम दस जीरो, ये हो जाएगा आपके तो का सात एक सात और चार दुनी माइनस में हो गया है आपके बाईस और प्लस में हो गया है पंद्रह, अंतर बचा कितना माइनस का सात। अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। देखो सबसे पहले एफ आई एक्स लगाया था तो यहाँ ए नहीं घटाया था तो ए नहीं जोड़ा, यहाँ ए घटाया था तो ए जोड़ा, अब यहाँ ए घटाया हुआ भी है तो वापस ए हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ गुणा एक्स आई से क्या था, यहाँ डी आई से क्या था, यहाँ किससे गुणा किया यू आई से, तो यहाँ क्या आएगा सिग्मा एफ आई यू आई आएगा यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू यहाँ पर आपके एच का भाग दिया इसलिए घोड़ा कर, यहाँ नहीं किया था तो हम घोड़ा नहीं किया, लेकिन यहाँ भाग दिया वहां क्या कर दो घोड़ा करेंगे तो एक का मान कितना कल्पित मान कितना माना हुआ है पच्चीस, तो यह आ जाएगा पच्चीस प्लस एफ आई यू आई माइनस का सात और एफ आई मतलब इसकी जोड़ चालीस इंटू सब में अंतर कितना है दस, इसका अंतर है दस आ जाएगी आप जीरो से कर दिया सेम पच्चीस प्लस माइनस सेम ये साबर चार आएगा वापस से और क्या आएगा एक पॉइंट पचहत्तर ये आएगा तेईस पॉइंट पचहत्तर पच्चीस तो पच्चीस आ जाएगा। विधि कोई भी हो उत्तर तीनों में एक ही आएगा, बस इनको गुणा करने प्रत्यक्ष ये गलती मान देती थी और इनको गुणा करने पर पवित्र विधि और तीनों में उत्तर एक ही आता है। अगला है आपके बहुलक समाज में तीन विधि में से कोई भी पूछे वो करनी है और नहीं पूछे तो मर्जी आए विधि से कर सकते हो उत्तर आपके राइट है। अब है आपके बहुलक, बहुलक के अंदर आपके सबसे पहले है जेड का जो वर्ग है वो ज्ञात करेंगे कि कौन से ग्रुप में उत्तर है, सबसे अधिक बारंबारता है तेरह तो उत्तर किसमें आएगा उत्तर आएगा बीस से लगाकर तीस के बीच में उत्तर होगा। तो अगर जेड ज्ञात करना है सूत्र क्या है ज्ञात करने का एल वन प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0 आगे गुणा करेंगे दो से पीछे घटाएंगे F2 इंटू एच अंतर लगा देंगे। सबसे अधिक बारंबारता को कहते हैं F1 और यह है आपके F0 और यह है आपके F2 जैसे ग्यारह जो है आगे ग्यारह के अंतर सूत्र क्या है आपके डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू एच याद आओ तो D लिख सकते हो डी वन डी टू डी वन मतलब होता है इसका अंतर कितना अंतर है तीन यहाँ कितना अंतर है छह तो ऊपर लिखते हैं तीन और ये आएगा तीन और कितना हो गए नौ और आपको सूत्र लगाना नहीं है आपको ये लगाना उत्तर दोनों में एक ही आएगा देखो तो आएगा कितना मतलब आगे वाला बीस ये कहते हैं एल वन अब एफ वन एफ जीरो लिखे हुए तीनों कितना है तेरह माइनस दस वापस लिखेंगे तेरह माइनस दस आगे गुणा करना है दो से और पीछे घटाएंगे यहाँ पर कितना सात इंटू अंतर कितने सब में दस दस का अंतर अब बीस का बीस यहाँ लो बीस का बीस प्लस ऊपर कितना अंतर है तीन का और यहाँ पर तेरह छब्बीस साइंस में सत्रह गए यहाँ गुणा करना है और इन दोनों को साथ में जोड़ना है घटाना है ये तो है छब्बीस और सत्रह गए बजे नौ अगर ये नहीं आता है इस तरह कर सकते हो मतलब ऊपर अंतर कितना है आपके तीन का यहाँ कितना आएगा तीन प्लस छह कितना हो गए नौ तो यह आएगा आपके नौ इंटू दस मतलब आपको अगर ये वाला नहीं करना है गुणा भाग करने में प्रॉब्लम आ रही है ये सूत्र भी थोड़ा बहुत गलत लिखा है यहाँ भी गलत जमाया है फिर उसके बाद आपको कहना क्या है ऊपर वाला अंतर यहाँ लिखना है और ये अंतर और ये अंतर दोनों साथ में ये अंतर तीन का और ये अंतर कितना छह का छह और तीन नौ लिखना है बाद में। तो देखो बीस का बीस प्लस इसमें भाग जाएगा नौ का तो ग्यारह का मान बोलो क्या दिया तैतीस 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 करते रहो उत्तर आ जाएगा तेईस पॉइंट तैतीस अपने साथ भाग दे देना ये उत्तर आ जाता है काट दो ये भाग देता है तीन बार तीन भाग देने पहले तीन बार हर बार एक बचेगा यही रहेगा ये बहुल। अब है मजे का मजे याद करनी है तो आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाना हुआ है आपके सीएफ का यहाँ बनानी है आपको सीएफ संचयी बारंबारता बनानी तो पहले ये छह आएगा यहाँ पर छह और दस सोलह और तेरह उन्तीस और सात छत्तीस और चार हो गए आपके चालीस। अब आपको याद करना है समांतर माध्य क्या नाम है मध्य ज्ञात करनी
उसके लिए पहले छोटा अंक याद रखें, तो क्या आएगा एन बटा दो वा पद, एन चालीस बटा दो बराबर आता है आपके बीस वा पद, बीस वा पद का आता है 16 और 29 के बीच में आ रहा है, जो आगे वाला ग्रुप है ये लेना है आपको, ये वाला। तो बताओ मध्यका का जो ग्रुप है, जो उत्तर आएगा मध्यका का जो ग्रुप है, मध्यका जहां से आएगी वो है 20 से 30 के बीच में उत्तर है, 25 26 को उत्तर है आप, या पॉइंटर में भी आ सकता है, उत्तर 20 से 30 के बीच में। अब वो कौन सा है, सूत्र क्या याद करेगा, एल वन प्लस एन बटा दो माइनस सी बटा एफ इंटू एच। एल वन कहते हैं इसे अगले वाले निम्न सीमा कितनी है 20, एन बटा दो हमने ऊपर याद किया यहां पर कितना आया 20 माइनस सी एफ, जो ग्रुप हमने बनाया है सी एफ जस्ट उसके ऊपर वाली, ये वाली कहलाती है सी एफ या सी कह सकते हो, कितने देर का आपके 16। एफ किसी के ग्रुप की एफ कितनी 13 इंटू सब में अंतर कितना है 10-10 का अंतर है, ये आएगा 20 प्लस 20 में से 16 गए 4 इंटू 10 ये तो बचा है 4 और 4 में कितना होगा 40 बटा 13 20 प्लस 0 सतैग्रहण ये हो गए 23.07 ये आ जाएगी आपके मध्य का। अगला आ जाओ ध्यान दो, वैसे एक क्वेश्चन निकली नंबर के है, वैसे एग्जाम में तो ऐसा आएंगे नहीं क्योंकि ये बोर्ड पे भी नहीं है, लेकिन अर्धवास में जरूर आपके एक नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें तो कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो जब कैसे करना ध्यान देना, एक तो वो बचाए वर्ग वाला वो आएगा बोर्ड के अंदर और अर्धवास में भी आएगा, लेकिन अर्धवास के अंदर ये क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, तो ये भी आपके आ सकते हैं, इधर ध्यान देना। पहले यहाँ पर हमें याद करना समांतर माध्य मध्य का बोल संख्या ऐसी दे रही होती, पहला काम है संख्या को क्या जमाना है आरोही क्रम में जमाना है, या जमाओ आरोही क्रम में या जमाओ अवरोही क्रम में, दोनों में से कोई एक जमाना है, छोटी पहले एक दो तीन चार पांच ये होगी संख्या। अब सबसे पहले याद करना है समांतर माध्य, सूत्र क्या याद करने का सिग्मा एक्स बटा एन, क्या कह सकते हो राशि का योग बटा राशि की संख्या, योग हो गया एक और दो तो चार सात और सात होता और नौ कितने हो गए 23 ये होता है सात और तीन दस दस और क्या 21 और तीन 23 तो ये आएगा आपके 23 बटा सात, बाद में तो बाद जाएगा तीन बाद पीछे बच गया दो साधन जो है पीछे बच गया आपके पीछे आएगा सात बार तो आएगा 3.27 ऐसे पीछे और उतर 2, 7, 1, 4, 8 तो चल ही सकते हो याद है लिखना है। अब ध्यान में लिखता है समांतर माध्य, अब ज्ञात करनी है मध्य का सूत्र है एन प्लस ए बटा दो, संख्या कितनी टोटल 7 संख्या है, 3 ये रही 3 ये एक कितना हो गया 7 प्लस ए बटा दो 8 बटा दो मतलब है नंबर 4 पर आने वाला पद, नंबर 4 पर कौन है 1, 2, 3, 4 मध्य कितनी आई मध्य कहते हैं मध्य मूल्य, मतलब 3 ऊपर रह गई और 3 ये और बीच में संख्या है उसे कहते हैं मध्य का और वो आ गई आपके एम कितना आ गया 3। अब है बहुलक कितना है 1 सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, इसमें 1 2 बार आया हुआ है बाकी कोई संख्या 2 बार नहीं केवल 1 संख्या ऐसी है जो कितनी बार आई आपके 2 बार उसे कहते हैं बहुलक अंक है। अब यहां पर समांतर माध्य पांच बताओ पी का मान क्या है, समांतर माध्य से क्या करते हैं वही प्रतिशत याद करो मतलब किससे एफ एक्स में गुणा करते तो कितना था 3 × 6 और ये हो गया 4 × 8 6 × 6 और ये हो गया 4 × 3 समांतर माध्य याद करना सूत्र क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बताया कोई क्वेश्चन है समांतर माध्य ये कितना है 5 एफ एक्स की जोड़ कितनी है 8 × 14 = 20 20 प्लस 4 × 3 ये पी वाला नंबर है जिसको अगली गई और यहां पर 4 × 7 = 10 तो ये आएगा 20 प्लस 4 × 3 बटा 10 पिछले बड़ा कर देंगे तो क्या आएगा 20 प्लस 4 × 3 बराबर 10 मिनट बाद कितना आता है 50 या कुछ नहीं भाग में एक मानना है इसको इससे गुणा करना है इसको इससे गुणा करना है उधर भेज दो तो 4 × 3 बराबर क्या आएगा 50 - 3
तो चार पी बराबर तीस गुणा दो पी का मान आएगा तीस बटा चार बराबर आ गया सात पाई दो आया चार छह नौ के साथ आ जाएंगे सात पाई पांच ऐसे मान याद करना आ सकता है। अब ऐसा दिया हुआ सवाल हमने तीनों पॉइंट याद करें समांतर माध्य वृद्धि का और बहुगुणक समांतर माध्य से याद करेंगे उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको एफ एक्स करना पड़ेगा गुणा करो तीन एकम तीन सात चौदह दस तीस चार आठ चालीस चालीस तीस सत्तर सत्तर बाईस बुरानु और तीन पंचाणु यहाँ पर सात तीन दस दस तीस कितना हो गया तीस टोटली समांतर माध्य याद करना है सूत्र क्या याद करेगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ पंचाणु बटा तीस जीरो अट गया क्या लग गया पॉइंट तीन पॉइंट पांच बचा है तो पहले भाग जाएगा आपके दो बार एक बार जाएगा फिर छह सात सकते तीन पॉइंट एक छह सात फिर है आपके मध्य का मध्यका के लिए आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा वो है आपके या बना अलग से कहीं बना लो वो बनाना है कौन सा सी एफ का ये एफ है इससे बनाएंगे सी एफ तो कितना आएगा तीन तीन और सात दस दस और दस बीस बीस और दो बाईस बाईस और आठ तीस ये तीस मिलना चाहिए। अब आपको मध्य याद करनी है सूत्र यही वाला लगाना है मध्य का एन प्लस ए बटा दो मतलब तीस इस बार तीस है पहले तो नंबर गिनते थे अब बारह बारह दे रहे थे वो लिखना है तीस प्लस एक बटा दो इकतीस बटा दो बराबर क्या है पंद्रह पॉइंट पांच वापस ये कहा था पंद्रह पॉइंट पांच आपके इन दोनों के बीच में आता है उत्तर रहेगा इसके अंदर इस सामने क्या है उत्तर हमेशा एक्स में रहता है इस समांतर माध्य तीन पॉइंट आएगा तो मध्य का भी आपको वही आएगी तीन चार पांच के आसपास मध्य कितनी आएगी तीन एक्स का मान आएगा फिर है बहुलक सबसे अधिक बार बार किसकी है सबसे अधिक ये है उत्तर क्या रहेगा उत्तर हमेशा एक्स में रहता है उत्तर क्या आएगा आपके तीन क्योंकि तीन दस बार आया हुआ तीन दस बार इसलिए अब यहां पर पांच संख्या औसत देर का अठारह इसने कहा अगर एक संख्या हटा दे औसत कितना रह जाएगा आपके सोलह रह जाएगा तो बताओ हटाए की संख्या क्या है देखो ध्यान देना पांच संख्या है संख्या कितनी है औसत भी देर का है देखो समाधान मात्र क्या सूत्र क्या ज्ञात करने का राशि होगा योग बटा राशि की संख्या। अब हमारे पास देखो संख्या है और हमारे पास माध्य भी समांतर माध्य भी है लेकिन हमें क्या करना है योग पहले ज्ञात करना पड़ेगा पहले पांच संख्या कितनी थी क्या करना है योग कैसे ज्ञात करते हैं बताओ कितना गुणा कर लो तो क्या आएगा समांतर माध्य इंटू संख्या तो क्या करेंगे संख्याओं को गुणा करेंगे हम समांतर माध्य से तो हमारे पास क्या आ जाएगा योग आ जाएगा तो संख्या कितनी है पांच औसत कितना है अठारह योग कितना हो गया नब्बे मैंने एक संख्या हटा दी पांच थी पहले एक हटा दी पीछे कितनी बन गई चार थी चार को हटाया तो औसत कितना रह गया सोलह तो यह आया सोलह तो चौसठ पहले संख्या थी पांच अब रह गई चार तो अंतर है तो संख्या हटाई हमने वो हटाई थी कितनी थी आपके ये था छत्तीस के छब्बीस छब्बीस हटाई थे कौन सी थी आपके छब्बीस थी। अब है आपके समांतर माध्य दे रखा है और एन का मान क्या करना है ज्ञात करना है और समांतर का सूत्र क्या ज्ञात करने का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो जो समझ में आएगी ना समांतर माध्य से दे रखा है पांच और योग कितना है चार प्लस पांच प्लस चार प्लस एन प्लस पांच प्लस पांच प्लस चार अठारह कितनी दे रखी है तीन और तीन छह और एक सात अब गले में खिंचा गुणा तो क्या आएगा पहले पहले जोड़ लो चार और पांच नौ और चार तेरह तेरह और चौदह कितना हो गया सत्ताईस सत्ताईस प्लस एन बराबर कितना गुणा कर लो तैतीस तो उसको उधर भेज दो एन का मान कितना आएगा आपके तैतीस माइनस सत्ताईस बराबर आठ। अब है लगातार पांच संख्याओं का औसत पांच संख्या कैसी है विषम संख्या उनका औसत दे रखा है ग्यारह तो सभी संख्या कौन कौन सी संख्या क्या करनी है आपको ज्ञात करनी तो माना पहली संख्या बताओ माना पहले क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया तो बताओ दूसरी क्या हो जाएगी दूसरी हो जाएगी देखो विषम है क्या विषम अगर एक ग्यारह है तो अगली क्या आएगी बाईस तेरह फिर क्या आएगी पंद्रह कितना अंतर में दो का अंतर क्या आएगा एक्स प्लस दो
तीसरी क्या हो जाएगी एक्स प्लस चार, जैसे ग्यारह चार पंद्रह, तो यह सत्रह है, क्या ग्यारह प्लस छह। चौथी याद करनी है तो यह आ जाएगा एक्स प्लस छह, और पांचवी याद करनी है तो क्या आएगा एक्स प्लस आठ। संख्या पांच संख्या आ गई याद। अब इनका औसत देर का, औसत कैसे याद करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। समांतर माध्य अगर आपको ज्ञात करना है, समांतर माध्य देर का सवाल के अंदर, और कितने देर का है ग्यारह, योग अब हम करेंगे सबका योग कर लो, एक्स प्लस दो, एक्स प्लस चार, एक्स प्लस छह, एक्स प्लस आठ, बटा संख्या कितनी टोटली पांच संख्या, एक दो तीन चार पांच संख्या, ठीक से गुणा कर लेंगे। पहले ये करो एक दो तीन चार पांच एक्स प्लस चार और दो छह और छह बारह, बारह और आठ बीस। अब इसको से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पचपन, बीस को उधर भेज दो तो पांच एक्स बराबर पचपन माइनस बीस कितना आ गया पैंतीस, गुणा है तो एक्स का मान आएगा पैंतीस बटा सात, पांच उत्तर ये आएगा आपके। जब ऐसा कर सकते आप औसत ग्यारह ग्यारह, ये बीच में आई संख्या वो दो घटा दो तो नौ सात, आगे जोड़ दो क्या आएगा तेरह और पंद्रह, ये पांच संख्या होगी टोटल। पहले एच माननी है, दूसरी एच प्लस दो, एच प्लस चार, फिर छह आठ, सबको जोड़ो पांच का भाग दो, उत्तर सामने देने का ग्यारह। इससे हम एच का मान ज्ञात कर लेंगे और पांच संख्या ज्ञात कर लेंगे।